हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये डिजाइनर बेबी गर्ल ड्रेस। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने लिया है ओवरऑल 2 मीटर टाफ्टा सिल्क फैब्रिक, जिसमें से मैंने ये इस तरह का एक पीस कट कर लिया है। अब मैं इसे हाफ में फोल्ड कर इस तरह से बिछा लूंगी। फोल्ड करने के बाद इस फैब्रिक की विड्थ है 16 इंच, यानी कि ओवरऑल 32 इंच, और लेंथ है 26 इंच। अब मैं इस हाफ फोल्ड फैब्रिक को एक और बार हाफ में फोल्ड कर लूंगी और इस तरह से बिछा लूंगी। अब हम इसमें ड्रेस की कटिंग के लिए साइज की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर लाइन पर 5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम शोल्डर लाइन से नीचे की तरफ 5 इंच पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। फिर हम इस तरह से 6.5 इंच पर चेस्ट साइज की मार्किंग करेंगे। चेस्ट साइज की मार्किंग के बाद हम इस तरह से शोल्डर लाइन से नीचे की ओर 10 इंच पर एक पॉइंट मार्क करेंगे। अब हम इस पॉइंट पर 6.5 इंच पर वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। यहाँ हमारे फैब्रिक की ओवरऑल लेंथ 26 इंच है, जो कि हमारे ड्रेस की लेंथ भी रहेगी। अब हम नीचे की ओर 8 इंच पर एक पॉइंट मार्क करेंगे। अब इस पॉइंट से वेस्ट लाइन तक हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल लाइन पर इस तरह से आर्म होल को सर्कुलर शेप दे देंगे। अब हम ड्रेस पर नेक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हम शोल्डर लाइन से 2.5 इंच पर एक मार्क ड्रॉ करेंगे और सेम इसी तरह से शोल्डर लाइन से नीचे की ओर 2.5 इंच पर नेक लाइन की लेंथ ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस तरह से इन दोनों पॉइंटों पर लाइन ड्रॉ कर इन दोनों को आपस में मिला लेंगे और एक स्क्वायर शेप बना लेंगे। अब हम इस तरह से नेकलाइन को एक सर्कुलर शेप दे देंगे। अब हम इस तरह से ड्रॉ की गई शेप और लाइन पर अपनी ड्रेस की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने ड्रॉ की गई शेप्स एंड लाइन पर अपनी ड्रेस की कटिंग कर ली है। कटिंग होने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। इसके बाद हमें हमारी ड्रेस की फ्रंट और बैक दोनों साइड्स मिल जाएंगी। अब हम इस ड्रेस के इनर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 मीटर इनर फैब्रिक को इस तरह से हाफ में फोल्ड कर बिछा लिया है। अब हम इस इनर फैब्रिक पर अपनी कटिंग की हुई ड्रेस के फैब्रिक को बिछा लेंगे और इस तरह से उसे ठीक से सेट कर लेंगे। इनर पर ड्रेस के मेन फैब्रिक को अच्छी तरह से सेट करने के बाद हम इस तरह से ड्रेस की शेप में इस इनर की भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग होने के बाद हमें फ्रंट और बैक दोनों साइड्स के लिए इनर का फैब्रिक मिल जाएगा। अब हम ड्रेस के मेन फैब्रिक को बिछा लेंगे और उसके ऊपर से इस तरह से इनर फैब्रिक को भी सेट कर लेंगे। इसे सेट करने के बाद हम इस तरह से इस पे पिंस लगाकर इसे सेट कर देंगे। इस तरह से पिंस लगाकर हम इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक को आपस में जोड़कर सेट कर लेंगे। हमने पिंस लगाकर फ्रंट और बैक दोनों साइड सेट कर लिए। अब हम इस तरह से मेन फैब्रिक और इनर फैब्रिक को साइड से स्टिच कर जोड़ लेंगे। यहाँ हमने इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक को साइड लाइन से स्टिच कर आपस में जोड़ लिया है। अब हम इस तरह से इनर फैब्रिक को नेक लाइन पर शेप में कटिंग कर लेंगे। अब हम स्टिचिंग लाइन से आगे की ओर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि फोल्ड होने के बाद ड्रेस की नेक लाइन और आर्म होल लाइन की शेप अच्छे से आए। स्टिच
स्टिचिंग लाइन से आगे की ओर कट लगाने के बाद हम इस तरह से सारी पिंस को निकाल देंगे और ड्रेस को फोल्ड कर सीधा कर लेंगे। तो यहाँ हमने ड्रेस के फ्रंट और बैक साइड दोनों को सेम तरीके से स्टिच कर फोल्ड कर सीधा कर लिया है। अब हम इन दोनों साइड्स की आर्म होल लाइन और नेक लाइन पर स्टिचिंग कर इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। इस तरह से हम ड्रेस की आर्म होल लाइन के कॉर्नर से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और सेम तरीके से हम नेक लाइन पर भी स्टिचिंग करते हुए इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने दोनों साइड्स की आर्म होल लाइन और नेक लाइन की स्टिचिंग करके इसकी फिनिशिंग कर ली है। अब हम इस तरह से ड्रेस की फ्रंट साइड पर बैक साइड को रखते हुए इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब हम इन दोनों साइड्स को अच्छी तरह से आपस में सेट होने के बाद साइड लाइन पर स्टिच करते हुए इन दोनों साइड्स को आपस में जोड़ लेंगे। अब हमने इस तरह से दोनों साइड्स को साइड लाइन पर स्टिच लगाकर आपस में स्टिच कर लिया है। अब हम ड्रेस में नीचे की तरफ से इसकी स्टिचिंग कर फिनिशिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने इस तरह की 2 इंच की पट्टी की कटिंग कर ली है और उस पर कैनवस की पट्टी को आयरन की मदद से पेस्ट कर लिया है। अब हम इस तरह से ड्रेस के कॉर्नर पर पट्टी को रखते हुए इस पर स्टिचिंग लगा लेंगे और पट्टी को ड्रेस पर जोड़ देंगे। पट्टी को ड्रेस पर स्टिच करने के बाद हम इस तरह से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसे स्टिच करते हुए इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने पट्टी को ड्रेस में स्टिच कर इसकी नीचे से अच्छी तरह फिनिशिंग कर ली है। साइड से स्टिच होने के बाद और नीचे से पट्टी की फिनिशिंग करने के बाद ड्रेस ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हम इसके स्कर्ट पार्ट वाले डिजाइन की कटिंग करेंगे। कट पार्ट वाले डिजाइन की कटिंग करने के लिए मैंने इस तरह से एक फैब्रिक का पीस लिया है, जिसे मैंने इस तरह से हाफ में फोल्ड कर बिछा लिया है। एक हाफ में फोल्ड होने के बाद इस फैब्रिक की विड्थ है 37 इंच, यानी ओपन होने के बाद 74 इंच, और इस फैब्रिक की लेंथ है 15 इंच। अब हम इस फैब्रिक को ओपन कर इस तरह से लेंथ वाइज हाफ में फोल्ड कर बिछा लेंगे। अब हम इस पर प्लीट्स बनाने के लिए इस तरह से 3-3 इंच पर पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस तरह से एक बॉक्स को छोड़ते हुए अगले हर 2 बॉक्स को हाफ में डिवाइड कर पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, यानी 3 इंच वाले बॉक्स को 0.5 इंच में डिवाइड कर पॉइंट मार्क कर लेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ एक बॉक्स को छोड़ते हुए अगले हर 2 बॉक्स को हाफ में डिवाइड कर लिया है, फिर एक बॉक्स को छोड़ते हुए अगले 2 बॉक्स को हाफ में डिवाइड कर लिया है। इस तरह से फर्स्ट वाले पॉइंट को छोड़ते हुए सेकंड पॉइंट पर फैब्रिक को फोल्ड करते हुए फर्स्ट पॉइंट से मिलाएंगे और प्लीट्स बना लेंगे। अब हम यहाँ इसे पिन से सेट कर लेंगे। अब
सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए एक पॉइंट को छोड़कर दूसरे पॉइंट पर पॉइंट को मिलाते हुए प्लीट्स बना लेंगे और उसे पिन से सेट कर लेंगे। अब सेम इसी तरीके से हम अगले हर एक पॉइंट को छोड़कर दूसरे पॉइंट से पॉइंट को मिलाते हुए प्लेट्स बना लेंगे और पिन से सेट कर लेंगे। तो यहाँ हमने सारे ड्रॉ किए हुए पॉइंट्स को आपस में जोड़कर प्लेट्स बना ली है। ये फ्रंट और बैक दोनों साइड से सेम ही दिखेंगी। अब हम इस पर इस तरह की एक सीक्वेंस की पट्टी लगाएंगे। अब हम अपनी ड्रेस पर इस प्लेट्स के पैटर्न को स्टिच करने के लिए साइज के अकॉर्डिंग मार्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हमने अपने ड्रेस को इस तरह से बिछा लिया है। अब शोल्डर लाइन से नीचे की तरफ 11 इंच पर इस तरह से पॉइंट ड्रॉ करेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सेम तरीके से हम ड्रेस के दूसरी साइड पर भी मार्क ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके लिए भी हम शोल्डर लाइन से नीचे की ओर 11 इंच पर ही मार्क लगाएंगे। और अब इस तरीके से इन दोनों मार्क को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ अब हमने ड्रेस के दोनों साइड्स पर साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली है। ड्रेस को ओपन होने के बाद ये मार्क कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसी मार्किंग पर हम अपने प्लीट्स वाले पैटर्न को इस तरह से अटैच कर स्टिच करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले जो फैब्रिक पर प्लीट्स वाले पैटर्न को सेट किया था उसे एक स्टिच लगाकर सारी पिंस को रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ हमने प्लीट्स वाले पैटर्न पर फाइनल स्टिच लगाकर सारी पिंस को रिमूव कर लिया है। अब हम सीक्वेंस की पट्टी को इस पर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम कॉर्नर पर से सीक्वेंस की पट्टी को रखते हुए स्टिचिंग कर इसे जोड़ लेंगे। सीक्वेंस की पट्टी स्टिच होने के बाद हमारा प्लीट्स वाले पैटर्न का डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम अपने ड्रेस पर इस प्लीट्स वाले डिजाइन के पैटर्न को स्टिच करेंगे। तो उसके लिए हमने ड्रेस पर जहां मार्किंग की थी वहीं पर इस प्लीट्स के डिजाइन को रखते हुए इस तरह से पट्टी पर स्टिच करते हुए जाएंगे। ड्रॉ की हुई लाइन पर पट्टी की स्टिचिंग होने के बाद हम पट्टी की दूसरी साइड से स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए हम इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए दूसरी स्टिच लगाकर इसे फाइनल स्टिचिंग कर लेंगे। पैटर्न की फाइनल स्टिचिंग होने के बाद हम ड्रेस की दोनों साइड्स को शोल्डर लाइन से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ हम पहले एक साइड से शोल्डर लाइन पर स्टिचिंग लगाएंगे।
डबल स्टिच करते हुए शोल्डर लाइन की स्टिच को फाइनल कर लेंगे। अब सेम तरीके से दूसरी साइड भी शोल्डर लाइन पर स्टिच करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ की शोल्डर लाइन की स्टिचिंग के बाद ड्रेस सीधी करने पर कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हम ड्रेस की फिटिंग वाली साइड पर इस तरह से एक जिप स्टिच करेंगे ताकि बच्चा आराम से आसानी से ड्रेस को उतार और पहन सके। ड्रेस की साइड फिटिंग में जिप स्टिच करने से पहले जो हमने अंदर की तरफ प्लीट्स वाले पैटर्न को स्टिच किया है उसके साइड्स को स्टिच कर फिनिशिंग कर लेंगे। प्लीट्स वाले पैटर्न पर साइड स्टिच होकर फिनिशिंग होने के बाद हम उसे इस तरह से अंदर की तरफ कर लेंगे। अब हम साइड फिटिंग पर आमूल से नीचे की तरफ 1 इंच पर इस तरह से एक स्टिच लगा लेंगे। 1 इंच स्टिच लगाने के बाद अब हम नीचे से इस तरह से जिप को रखते हुए स्टिच कर अटैच कर लेंगे। ड्रेस पर जिप को हम साइड फिटिंग में आर्म होल से लेकर जहां तक हमने ड्रेस पर प्लेट्स वाले पैटर्न की पट्टी स्टिच की थी वेस्ट लाइन तक स्टिच कर लेंगे। साइड लाइन पर जिप स्टिच होने के बाद अब हम जहां हमने पट्टी स्टिच की थी वहां से लेके नीचे तक एक साइड स्टिच लगाकर ड्रेस की फिनिशिंग कर लेंगे। ड्रेस पर साइड स्टिचिंग होने के बाद हम ड्रेस को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हमारी साइड लाइन पर जो हमने जिप लगाई थी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हम ड्रेस की सीक्वेंस पट्टी पर बीच में इस तरह का एक बो का डिजाइन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक पट्टी ली है जो फोल्ड होने के बाद विड्थ में 6 इंच और लेंथ में 4 इंच है। अब हम बो बनाने के लिए इस पट्टी पर इस तरह से स्टिच लगाएंगे। बो को सीधा करने के लिए बीच में इस तरह से थोड़ा सा गैप रखेंगे और फिर इसे चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। अब हम स्टिच करने के बाद इस तरह से इसके चारों तरफ छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि बो को सीधा करने के बाद इसके चारों कॉर्नर बिल्कुल फिनिशिंग से हो। चारों तरफ कट्स लगाने के बाद इस तरह से जो हमने बीच में गैप छोड़ा था वहां से हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। सीधा होने के बाद ये इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा। अब इस शेप को हम हाफ में डिवाइड कर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ड्रॉ की हुई लाइन पर सुई धागे की मदद से इस तरह से छोटे छोटे स्टिच लगाते हुए बीच में गैदर्स क्रिएट कर लेंगे। अब हम इस स्टिचिंग वाले एरिया के ऊपर इस तरह की एक सीक्वेंस की पट्टी लेकर इसे स्टिच कर जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ हमारी फैब्रिक की बो बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे अपनी मेन ड्रेस पर आगे की तरफ इस तरह से बीच में सुई से स्टिच कर लेंगे।
तो यहाँ हमारी ड्रेस बनकर बिल्कुल रेडी है। ऐसी ही और डिजाइनर ड्रेसेस की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।